ग्वालियर सीट से कांग्रेस ने सुनील शर्मा को प्रत्याशी बनाया। सुनील शर्मा का मुकाबला मौजूदा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से होगा। सुनील शर्मा का कहना है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन पर भरोसा जताया है, जिसे वो किसी कीमत पर टूटने नहीं देंगे, कांग्रेस को जीत दिलाकर ही रहेंगे। सिंधिया समर्थक होने के बाद भी सुनील शर्मा सिंधिया के साथ बीजेपी में नहीं गए। माना जा रहा है कि इसका इनाम कांग्रेस ने उनको दिया है। कांग्रेस ने 15 विधानसभा सीटों का ऐलान कर दिया है और वहां से कैंडिडेट हैं वो डिसाइड कर दिए। ग्वालियर विधानसभा से सुनील शर्मा जी हैं। सुनील शर्मा जी, कांग्रेस ने आप पे भरोसा किया है, टिकट दिया है, क्या किन वादों के साथ में आगे बढ़ेंगे, क्या रहेगा, क्या आप पे भरोसा किया है, किस तरह से आप जीत गए? ये कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता की भावना है, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद है और उससे बड़ा महत्वपूर्ण ग्वालियर विधानसभा की जनता का आशीर्वाद इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा व्यक्त किया है। मैंने सदैव जीवन में सत्यता के आधार पर राजनीति की है, चाहे 1000 बिस्तर अस्पताल के निर्माण की बात हो, चाहे गरीबों को राशन देने की बात हो, चाहे बिजली के बिल माफी करने की बात हो, चाहे गंदे पानी से निजात की बात हो, चाहे पानी की समस्या से हमारी जनता को परेशानी से मुक्त होने की बात हो, मैंने सदैव अपने जीवन में सत्यता के आधार पर राजनीति की है। ज्योतिराय सिंधिया का गृह जिला है, आप उसी से आप उनके समर्थक भी कहे जाते थे, तो कितनी चुनौती लगती है आपको? देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, ये बार बार बात आती है, मध्य प्रदेश के अंदर अगर सरकार बनी तो कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता के खून पसीने की मेहनत से और मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद और स्नेह के बदौलत बनी। आप देख सकते हैं ये सुनील शर्मा जी थे और जैसा कि कहना है कि कांग्रेस ने भरोसा किया है और कांग्रेस के वो भरोसे को टूटने नहीं देंगे और विकास के मुद्दे के साथ में वो आगे बढ़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।